प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन पे भी क्लिक करो ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिल जाए। स्मिथ और बीनी क्रॉफर्ड के साथ बाल टैम्परिंग का शराकत दार डेविड वॉर्नर उन दिनों किस हाल में है और इस फ्री टाइम को वो किस तरीके से जी रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीकी दौरे के दौरान बाल टैम्परिंग मामले में मुअत्तल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर इन दिनों सिडनी में अपने घर के तामीराती काम में मजदूरों के साथ मसरूफ हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आई है जिसमें डेविड वॉर्नर अपने जरे तामीर घर में मजदूरों का हाथ बटा रहे हैं। वो स्पोर्ट्स शोज काले लिबास और व्हाइट हैट पहने हुए हैं। वीडियो में उन्हें ड्रिलिंग और कार पेंटिंग का काम करते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया अखबार दी ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक डेविड वॉर्नर के 5 मंजिला घर की मालियत $10 मिलियन है। 900 उसको आवर मीटर पर मुहितीय एरिया 2015 में $4 मिलियन में खरीदा गया था। मई 2016 में इस पर नई तामीरात के लिए दरखास्त दायर की गई थी जिसमें पुरानी बिल्डिंग को गिराने की इजाज़त भी शामिल थी। अखबार के मुताबिक डेविड वॉर्नर के फैमिली हाउस की तामीर की इजाज़त फरवरी 2016 में मिल गई थी जो 14 माह में मुकम्मल होना थी, लेकिन काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त थी। मीडिया जराए के मुताबिक बरतानवी काउंटी सिरे ने बाल टैम्परिंग की वजह से पाबंदी के शिकार साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन असमथ और ओपनर डेविड वॉर्नर रसे मुआहिदे में दिलचस्पी का इजहार किया है। न्यूज रिपोर्ट।